उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों के प्रगति की समीक्षा की और कहा कि प्रत्येक लैब टेक्नीशियन को प्रशिक्षित किया जाए तथा सभी बेडों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए निजी हॉस्पिटलों का डाटा तैयार किया जाए जिससे जरूरत पड़ने पर उनकी सेवा ली जा सके। प्रमुख सचिव ने कहा कि अपनी तैयारियां पूरी रखें जिससे कोई चूक न हो सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। डेथ ऑडिट के लिए उनको सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंट सीएमओ के माध्यम से भेजने हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जहां आदमी से ही सीएमओ का साइन करवा के कंसर्न मेडिकल कॉलेज में भेज दें। जिले बांट दिए गए, जहां पर डेथ ऑडिट होगा उसमें हमारे 6 पुराने मेडिकल कॉलेज शामिल हैं, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, झांसी, आगरा और मेरठ। इसके अलावा 3 हमारे इंस्टीट्यूट शामिल हैं, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी जो पीजीआई और सैफई यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज इटावा। इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, ये 2 हमने और नामित किए। जो भी जिला हो आपका, कृपा करके इन 11 में से जिस भी जोन में आप पढ़ते हैं उसको भेजवा दें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को सीधे भेजना है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को सीएमओ के मार्फत भेजना है, भेजवाने का इंतजाम कर लें। आज तारीख 28 हो चुकी है, सुनिश्चित कर लें कि कल तक अगर नहीं भेजा हो तो कल तक ये संबंधित मेडिकल कॉलेज में डॉक्यूमेंट डेथ ऑडिट के लिए पहुंच जाए। और मैंने सभी कॉलेजेस को ये पहले भी कहा था, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं उस पर 30 तारीख को कल परसों थर्सडे को बृहस्पतिवार को 30 तारीख को एक डेथ ऑडिट कमेटी जो आपके यहाँ बनी हुई है उसकी मीटिंग आप 30 तारीख को कर लें और उसके बाद 5 तारीख तक उसके जो भी रिजल्ट्स हैं वो डीजीएमई ऑफिस को ईमेल पर साइन करके भेज दें, जिससे हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक पिक्चर पेंट कर सके कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में डेथ का ओवरऑल रीजन क्या है, प्रोफाइल क्या है पेशेंट्स की, किस तरीके में ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। हम बनाने जा रहे हैं ECCS जिसमें 3+3 सिस्टम करेंगे। ये अभी जियो जारी नहीं कर पाए, ये जियो हम कोशिश करेंगे 30 तारीख तक जारी कर दें। इसमें जो हमारे इस समय कुल मिला के L1, L2, L3 कोविड अस्पताल है, कुछ आपके हैं, कुछ स्वास्थ्य विभाग के हैं छोटे वाले, लेकिन इनकी संख्या है वो मेरे ख्याल से लगभग 200 के आसपास है। ये 200 जो कोविड अस्पताल है छोटे बड़े, इनमें कई बार कोमॉर्बिडिटी आ जाती है, तो क्या मैनेजमेंट होना चाहिए इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसी तरीके से इंटेंसिव केयर में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। इसी सेंट्रलाइज गाइडेंस देने के लिए 3+3 एक गाइडेंस सिस्टम है जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स में और इंटेंसिव केयर में एक्सपर्ट्स बताएंगे फोन पर कि आपको कैसे मैनेज करना है, और जरूरत पड़ने पे आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं।